So. हाथ ऊपर उठाएंगे, बाएं हाथ दाहिने पैर को उसमें लगाएंगे, करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, दाहिना हाथ बायां पैर करो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ सौ। सतदियों करेंगे, चार बार उछलेंगे, 16 बार बदल करेंगे, तो एक दो तीन चार, एक दो पांच छ नौ दस 13 14, एक दो तीन चार, एक दो पांच छ नौ दस 13 14, एक दो तीन चार, एक दो पांच छ नौ दस 13 14, एक दो तीन चार, एक दो पांच छ नौ दस 13 14, एक दो तीन चार। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, छोड़ो धीरे धीरे वापस। कमर पर हाथ रखेंगे, कमर का व्यायाम करेंगे, कमर को गोल गोल घुमाएंगे, करो विपरीत। स्टॉप। गर्दन का व्यायाम करेंगे, गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, दोनों कान दोनों कंधों से सटते हुए जाएगा, आगे की थोड़ी छाती सटेगी, पीछे का भाग पीछे के गर्दन से सटते हुए जाएगा, तो विपरीत।
कंधे का व्यायाम करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, विपरीत सब। दोनों आंखों को पुतलियों से अधिकतम क्षेत्र देखेंगे, एक बार बाएं देखेंगे, एक बार दाहिने देखेंगे, गर्दन सीधा रहेगा, बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने सो। आंखों को पुतलियों को गोल गोल घुमाएंगे, पहले बाएं से दाएं घुमाएंगे, फिर दाएं से बाएं घुमाएंगे, करो एक दो तीन चार पांच छ सात और विपरीत, एक दो तीन चार पांच छ चार और सौ। आंखों को पुतलियों को तेजी के साथ खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों से काई करेंगे, एक बार पुनः करेंगे, तो करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, पैर में थोड़ा अंतर लेंगे, दोनों हाथ शरीर को ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथ सामने लाएंगे, सांस भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को पूरी तरह से बाईं तरफ ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं, कुछ देर तक रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे, ये क्रिया दाहिने तरफ से भी होगा, बाईं तरफ जाएंगे, ध्यान रखेंगे हाथों का गैप इतना ही रहेगा छाती के बराबर, दाहिनी तरफ जाएंगे, एक बार पुनः करेंगे बाईं तरफ, दाहिनी तरफ,
दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हथेलियों को जमीन में लगाएंगे और नाक को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। एक बार उतना करेंगे, समस्त विभाग सर एक दो आसन करेंगे, ताड़ासन विभाग सर एक, धीरे धीरे दोनों हाथ का नेक्स्ट सीध में दो हथेली ऊपर, तीन कान से सटे हुए हाथ, चार में सांस भरेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कुछ देर तक सांस को रोकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे, करेंगे चार पांच, केवल शरीर ढीला होगा, दोनों हाथ कान से ही लगे रहेंगे, छह सात आठ, नौ दस ग्यारह कान से सटे हुए हाथ, बारह में सांस भरेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को रोक कर रखेंगे, बारह तेरह सांस छोड़ेंगे, सर ढीला करेंगे, दोनों कान से हाथ सटे हुए रहेंगे, चौदह पंद्रह सोलह, आराम स्थिति विभाग सर एक दो स्वस्थ, साधन गणा समय स्थिति विभाग सर एक दो करेंगे, वीरभद्रासन प्रकार एक विभाग सर एक, दाहिना पैर दाहिनी तरफ, दोनों हाथ कंधे के सीध में दो, दाहिना पैर और कमर से ऊपर का भाग दाहिनी तरफ मुड़ेगा, तीन कान से सटे हुए हाथ, चार में सांस भरते हुए दाहिने पैर के घुटने पर बैठेंगे, बायां पैर सीधा रहेगा, दृष्टि आसमान, चार पांच सांस छोड़ते हुए शरीर सीधा, छह सात सामने की तरफ मुड़ेंगे, आठ नौ बायां पैर बाईं तरफ, दोनों हाथ कंधे के सिर में, दस में बाएं पैर को मोड़ेंगे बाईं तरफ और कमर से ऊपर के भाग को बाईं तरफ मोड़ेंगे, दस
ग्यारह कान से सटे हुए हाथ, बारह में सांस भरेंगे, बाएं पैर के घुटने पर बैठेंगे, दाहिना पैर सीधा, दृष्टि आसमान, बारह तेरह सांस छोड़ेंगे, सर सीधा करेंगे, चौदह पंद्रह सोलह, आराम स्थिति विभाग से एक दो स्वस्थ, करेंगे वृक्षासन, साधन गण समय स्थिति विभाग से एक दो, दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के जंघा पर रखेंगे, पूरी तरह से ऊपर की तरफ ले जाकर रखेंगे, दो दोनों हाथ कंधे एक सीध में, तीन हथेले ऊपर, चार दोनों हाथ कान से सटे हुए, पांच में सांस भरेंगे, शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, सांस को रोककर, पांच छह सांस छोड़ेंगे, शरीर ढीला करेंगे, सात आठ नौ दस ग्यारह, बाएं पैर को दाहिने पैर की जगह पर रखेंगे, बारह दोनों हाथ कंधे सीध में, तेरह हथेले ऊपर, चौदह कान से सटे हुए हाथ, पंद्रह में सांस भरेंगे, शरीर को ऊपर तरफ खींचेंगे, सांस को रोककर, पंद्रह सोलह सांस छोड़ेंगे, शरीर ढीला करेंगे, सत्रह अठारह उन्नीस बीस, आराम से त्रिभाग से एक दो स्वस्थ, साधन गण समय स्थिति विभाग से एक दो, करेंगे अर्धकटि चक्रासन, विभाग से एक दाहिने हाथ कंधे सीध में, दो दाहिने हथेली ऊपर, तीन कान से सटे हुए हाथ, चार में सांस भरेंगे, कमर से बाई तरफ जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, झुकने के बाद हथेली दृष्टि हथेली पर, सांस को रोक कर रखेंगे, करो चार पांच सांस छोड़ेंगे, सिर सीधा, छह सात आठ नौ दस ग्यारह कान से सटे हुए हाथ, बारह में सांस भरेंगे, कमर से दाहिनी तरफ जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, दृष्टि हथेली पर, बारह तेरह सांस छोड़ेंगे सर सीधा,
चौदह, पंद्रह, सोलह, आरम स्थिति विभाग से एक दो स्वस्थ अच्छा उपविशर बैठ जाएंगे। गर्दन कमर सीधा, आंखें कोमलता के साथ बंद, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, तीन बार ओम ध्वनि करेंगे और वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का दूसरा नाम ओम है। ओम का यदि हम विच्छेदन करेंगे तो तीन नामों का युग्म है ये, अ उ और म। ये तीनों ईश्वर के तीन कामों से संबंध रखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अर्थात इस सृष्टि का निर्माण करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले परमपिता परमेश्वर का यह तीनों नाम का युग्म ओम का उच्चारण होता करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम,
दाहिनी नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे, बाई नासिका से सांस को भरेंगे, बाई नासिका को बीच वाली दोनों उंगलियों से बंद करेंगे, जितने देर तक सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर दाहिनी नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, पुनः दाहिनी नासिका से सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे, जितने देर तक सांस को रोक सकते हैं रोकेंगे, फिर बाई नासिका से सांस धीरे धीरे बाहर निकलेगी, यही क्रम चलेगा। धीरे धीरे वापस, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांसों को केवल बाहर निकालना है, झटके के साथ सांस को बाहर निकालेंगे, कोशिश करेंगे नाभि से सांस पूरी तरह से बाहर निकले।
धीरे धीरे वापस। करेंगे अग्निशा प्राणायाम, सांसों को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, थोड़ी से नलकूप को बंद करेंगे, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हुए पेट को अंदर बाहर करेंगे, दो बार एक क्रिया करेंगे। एक बार करेंगे, धीरे धीरे वापस। करेंगे उज्जयी प्राणायाम, गर्दन से रगड़ते हुए सांस को पूरी तरह से भरेंगे, तीनों बंद लगाएंगे, पहला थोड़ी से नलकूप को बंद करेंगे, दूसरा पेट को पीठ में सटाएंगे, तीसरा गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचते हुए उसी अवस्था में सांस को रोक कर रखेंगे, फिर धीरे धीरे तीनों बंधों को खोलेंगे, उसके बाद सांस को बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे वापस। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें केवल सांस को लेना है, लंबा गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके सांस को मुठ्ठियां बनाते हुए भीतर की तरफ खींचेंगे, जैसे किसी चीज को हम खींचते हैं दोनों हाथों से, वैसे ही हम लोग सांस को भीतर अपने तरफ खींचेंगे। धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे।
धीरे धीरे वापस करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करेंगे, पहली दो उंगलियां मस्तक पर, बाद की तीन उंगलियों से आंखों को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और भौंरा जैसे गुंजन करते हुए ऐसे आवाज निकालेंगे, दो बार एक क्रिया करेंगे। एक बार पुनः करेंगे। धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों से आगे पीछे करेंगे, पूरी तरह से आगे पूरी तरह से पीछे स्ट्रेच करेंगे, मांसपेशियों का स्ट्रेच होगा। अभी केवल दोनों पंजों को आगे की तरफ मोड़ेंगे और फिर छोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे छोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को गोल गोल घुमाएंगे, विपरीत स्टॉप। करेंगे पश्चिमोत्तानासन,
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे, दोनों हाथों से पैर के पंजे पकड़ेंगे और एक बार पुनः करेंगे। तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर लेंगे, सांस भरते हुए दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ पीछे जाएगा, दृष्टि पीछे रहेगी। यही काम दूसरे हाथ से, धीरे धीरे वापस, पैरों में इतना ही अंतर रहेगा, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ग्रिप बनाकर पैर में लगाएंगे, नाक को घुटने से लगाएंगे। करो लिख रहे इधर से, एक बार पुनः धीरे धीरे वापस चलाएंगे, कमर को जितना आगे पीछे कर सकते हैं करेंगे, हाथ सीधा रहेगा, हाथों को उठेगा, पैर के अंगूठे के ऊपर चौकर जाएगा। धीरे धीरे वापस लेट जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, सारा ध्यान केवल सांस लेने और सांस छोड़ने पर रहेगा। लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पांव से लेकर सर तक के सारे अंगों को हम लोग देखेंगे, अंतर यात्रा करेंगे, सारे अंगों को ऐसा कल्पना करेंगे कि हमारे सारे अंग पुष्ट हो रहे हैं और हमारे शरीर के जितने रोग हैं, जितने विकार हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। पैर के पंजे, पैर की एड़ी, जंघा, घुटना, कमर, ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग अपने सर तक आएंगे और सभी अंगों को आंख बंद किए हुए अवस्था में देखेंगे। शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, शरीर बिल्कुल हल्का रहेगा, किसी भी प्रकार के तनाव नहीं रहेगी शरीर में, केवल सांस लेना और सांस छोड़ना,
ऐसा महसूस करेंगे कि हम गहरी निद्रा में जा रहे हैं। हमारा शरीर अंतरिक्ष में तैर रहा है। बिल्कुल ध्यान अपने शरीर पर लगाएंगे, ऐसा महसूस करेंगे हम कि हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, हमारा शरीर आकाश में तैर रहा है। इसे एक प्रकार से समाधि की अवस्था भी कहते हैं। शरीर को फ्रेश करने और शरीर में एनर्जी लाने के लिए एक सीधा सरल सा उपाय है। शवासन में लेट जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। धीरे धीरे वापस शरीर में चेतना लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, जितने देर तक रोक कर रख सकते हैं उसी अवस्था में रोक के रखेंगे। धीरे धीरे बाएं पैर वापस लाएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे जब बाएं पैर वापस आ जाएगा, जमीन पर स्पर्श होगा, तभी सांस छोड़ेंगे। यह क्रिया दाहिने पैर से भी होगा। धीरे धीरे वापस यही किया दाहिने पैर से। यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करो। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, सर ढीला छोड़ देंगे। शरीर में चेतना लेकर आएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए बड़ा से बड़ा जीरो बनाएंगे। विपरीत धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, सर ढीला छोड़ देंगे। शरीर में चेतना लेकर आएंगे, दोनों हाथों दोनों पैरों से साइकिलिंग करेंगे, गर्दन ऊपर उठा हुआ रहेगा, तेजी के साथ हाथ पैर को चलाएंगे। करो
दोस्तों शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे पवन मुक्तासन। सांस भरते हुए बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाकर जंघा को छाती से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे। यही क्रिया दाहिने पैर से भी होगा। करो यही के लिए दाहिने पैर से करो। यही के लिए दोनों पैरों से एक साथ धीरे धीरे दोलन करेंगे। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, सर ढीला छोड़ देंगे। में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे चक्रासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हथेलियों को गर्दन के समानांतर लाएंगे, सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसी अवस्था में कुछ देर तक सांस को रोक के रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। करो लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, शरीर को ढीला करेंगे।
शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे नौकासन, सांस भरते हुए कमर से नीचे और कमर से ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोनों हाथ सामने निकला हुआ रहेगा। धीरे धीरे वापस लंबा गहरा सांस लेंगे, सर ढीला छोड़ देंगे, शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे सर्वांगासन, दोनों हाथों की सहायता से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, केवल गर्दन और मस्तक जमीन से लगा रहेगा, उसी अवस्था में कुछ देर तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे हलासन में जाएंगे, दोनों पैर पीछे ले जाएंगे, पैर के पंजे जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हलासन में जाएंगे, पैर के पंजे जमीन में लगाएंगे, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे, गर्दन नहीं उठेगा, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, लेंगे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शवासन में लेटेंगे, शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे सेतु बंधासन, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पैर की एड़ियां पकड़ेंगे, सांस भरते हुए
कमर, पेट और छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कंधा, गर्दन और मस्तक जमीन से लगा रहेगा। उसी अवस्था में कुछ देर तक सांस को रोके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। चेतना लेकर आएंगे, पेट को बल लेट जाएंगे, करेंगे मकरासन, सांस भरते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। गर्दन को ऊपर रखेंगे, दोनों पैरों से एक साथ धीरे धीरे वापस, शवासन में लेट जाएंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे भुजंगासन, मस्तक को जमीन से लगाएंगे, पीछे दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हथेलियों को छाती के समांतर लाएंगे, सांस भरते हुए
नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रहेगा, उसी अवस्था में कुछ देर तक सांस को रोक कर रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। करो धीरे धीरे वापस, लंबा गहरा सांस लेंगे फिर ढीला छोड़ देंगे। लेकर करेंगे शलभासन, थोड़ी को जमीन से लगाएंगे, दोनों थैलियों को जंघा के नीचे लाएंगे, पैर आपस में सटे हुए, सांस भरते हुए कमर से नीचे के भाग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, थोड़ी जमीन से ही लगी रहेगी, कोशिश करेंगे दोनों पैर कमर से ऊपर उठे, घुटने से ना मुड़े। करो जी इधर वापस, शरीर में चेतना लेकर आएंगे, करेंगे धनुषासन, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा शरीर नाभि पट्टिका रहे, उसी अवस्था में कुछ देर तक रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, उसके बाद सांस को छोड़ेंगे। करो चेतना लेकर आएंगे, बाया थैली पर दाहिनी थैली को रखेंगे, थोड़ी इसके ऊपर रखेंगे, दोनों पैर पीछे मुड़े मिले हुए,
सांस भरते हुए कमर से ऊपर के भाग को पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे, दृष्टि आसमान में रहेगा, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, दो बार एक क्रिया करेंगे, करो। एक बार पुनः करेंगे, देखिए वापस शरीर में चेतना लेकर आएंगे, पीछे दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, करेंगे सर्पासन, सांप की तरह लौटना है, एक तरफ सांस लेंगे, दूसरी तरफ से सांस छोड़ेंगे, करो। सांस लेंगे, इधर जाते हुए सांस को छोड़ेंगे, धीरे वापस। करेंगे तितली आसन, गर्दन कमर सीधा, कोशिश करेंगे दोनों जंघा जमीन से लगे, दोनों जंघाओं पर जोर देंगे, जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे, गर्दन कमर सीधा रहेगा, नहीं होता है तो कभी कभी इस पर हम लोग बल प्रयोग भी कर सकते हैं लगाने का। सो करेंगे गौमुख आसन, बाएं पैर केणी पर बैठेंगे, दाहिना पैर इसके ऊपर, घुटने से घुटने को मिलाने का प्रयास करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा,
बायां हाथ पीछे से जाएगा, दोनों हाथों से पीछे ऐसे ग्रिप बनाएंगे और सांस भरते हुए एक दूसरे को खींचेंगे दृष्टि आसमान में। कुल दाहिने पैर की एड़ी पर बैठेंगे, बाएं पैर इसके ऊपर, घुटने से घुटने मिलाएंगे। इस बार बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ नीचे से जाएगा, वैसे ही पीछे ग्रिप बनाएंगे, सांस भरते हुए खींचेंगे, धीरे धीरे वापस। करेंगे मंडूकासन, वज्रासन में बैठेंगे, हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा भीतर की तरफ रहेगा, चार अंगुलियों को उसके बाद बंद करेंगे, ये स्थिति रहेगी। सामने वाला भाग सांस भरते हुए नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नाभि को भीतर की तरफ दबाते हुए ले जाएंगे, नाक को घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस। दाहिने हथेली पर बाएं हथेली को रखेंगे, नाभि पर रखेंगे, सांस भरते हुए रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि से नीचे की भाग को भीतर की तरफ दबाते हुए ले जाएंगे, नाक को घुटने से लगाएंगे। और धीरे धीरे वापस। अच्छा, इसी अवस्था में सुप्त वज्रासन करेंगे, पीछे की तरफ लेट जाएंगे, कमर में जिनको प्रॉब्लम है, दर्द है, वो नहीं करेंगे, या पीठ में भी जिनको दर्द है नहीं करेंगे। करेंगे मत्स्यासन, पद्मासन लगाएंगे, इसी अवस्था में पीछे की तरफ लेट जाएंगे, छाती ऊपर उठा हुआ रहेगा, दोनों अंगूठों को दोनों हाथ पकड़ेंगे, वापस। करेंगे उष्ट्रासन,
पैरों में थोड़ा अंतर लेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों से पैर की एड़िया पकड़ेंगे, छाती बाहर निकला हुआ दृष्टि आसमान। पीछे पैरों में थोड़ा अंतर लेंगे, इसे करने में थोड़ा चक्कर की संभावना रहती है, चक्कर आने की, इसलिए पैरों में पीछे अंतर लेते हैं बैलेंस बनाने के लिए। सांस भरते हुए गर्दन को पूरी तरह से पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरी तरह से आगे की तरफ लाएंगे। मैं आगे पीछे बोलूंगा, आप उसी अनुसार से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे धीरे धीरे वापस। करेंगे शांति पाठ, मंत्र बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, सभी निरोगी हों, निरोगी हों, सभी निरोगी, सभी स्वस्थ हों, सभी स्वस्थ हों, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न रहे, किसी प्रकार की, ऐसी कामना करते हुए, कामना करते हुए, हम सबका दिन शुभ हो, हम सबका दिन।